हजरत इमाम सादिक जाफर अलैह इस्लाम की खिदमत में एक शख्स आया और अर्ज करने लगा, ऐ नवासाए रसूल, कब्र में इंसान के जिस्म के साथ क्या होता है और इंसान का जिस्म कैसे गलता है? तो इमाम सादिक जाफर अलैह इस्लाम ने फरमाया, इंसान अपने जिस्म से नावाकिफ है। ऐ शख्स, याद रख, कब्र में 2 से 3 दिन के अंदर इंसान के नाक की हालत तब्दील होने लगती है और 6-7 दिन के अंदर इंसान के नाखून उतरने लगते हैं और 9 से 10 दिन के अंदर पेट फूलना शुरू हो जाता है और बाल गिरने लगते हैं और कुछ दिनों के अंदर ही पेट फट जाता है और तमाम अज्जा बाहर आ जाते हैं और इंसान के जिस्म पर कीड़े मकोड़े इस तरह लिपट जाते हैं कि जैसे वो कभी जिंदा हुआ ही नहीं था। और कीड़े मकोड़े कहते हैं, ऐ इंसान, कहाँ गया तेरा तकब्बर और कहाँ गया तेरा रूह? और कुछ ही दिनों में इंसान के जिस्म का सारा गोश्त कीड़े मकोड़े खा लेते हैं और 90 दिन के अंदर इंसान के जिस्म की सारी हड्डियां एक दूसरे से अलग होने लगती हैं और 1 साल के बाद तमाम हड्डियां बोसीदा हो जाती हैं और 2 सालों के अंदर हड्डियों का वजूद खत्म होने लगता है। इमाम सादिक जाफर अलैह इस्लाम ने फरमाया, ऐ शख्स, ये है इंसान जो खुद को आला और दूसरों से बेहतर समझता है और कोई ऐसा इंसान नहीं जो ता हयात जिंदा रहा हो। इमाम सादिक जाफर अलैह इस्लाम ने फरमाया, ऐ शख्स, अगर तुम अपने जिस्म को कब्र में सलामत रखना चाहते हो तो तुम तकब्बर ना किया करो और अपने आप को दूसरों से आला और अजीम ना समझा करो। ऐ शख्स, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो इंसान अपने आप को तकब्बर से पाक रखता है तो इसका जिस्म कब्र में ऐसे सलामत रहता है जैसे जिंदा इंसान जिंदगी में सलामत होते हैं। जैसे जिंदा इंसान जिंदगी में सलामत होते हैं। जैसे जिंदा इंसान जिंदगी में सलामत होते हैं।